हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेयर कट के ऊपर ड्रायर कैसे किया जाए इसके ऊपर है। हम आपको बताएंगे कि लेयर कट जब करते हैं उसके बाद हम ब्लो ड्राई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स सब्सक्राइबर्स के आए थे मेरे पास कि आप हमें लेयर कट के ऊपर ड्रायर कैसे करते हैं ये बताएं। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि लेयर कट के ऊपर ड्रायर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट के हेयर पे सेंटर पार्टिंग करेंगे। जो हमारे हेयर्स हैं वो 30-40% गीले होने चाहिए। इसी पार्टिंग को हम पीछे तक ले जाएंगे। इसके बाद ईयर टू ईयर हम लोग सेक्शनिंग करेंगे और इन पीछे वाले हेयर्स को हम लोग सेक्शन क्लिप लगा के सेपरेट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ईयर टू ईयर पार्टिंग करके पीछे के बालों को सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर देंगे। इस तरह हमारे हेयर्स जो हैं वो चार भागों में डिवाइड हो गए हैं। अब हम लोग फ्रंट से ड्रायर करना स्टार्ट करते हैं। ड्रायर करने के लिए हम लोग इस तरह का ब्रश का यूज़ करेंगे और जो हमारा ड्रायर होगा इसकी जो हीट होगी वो मीडियम होगी और स्पीड होगी वो हाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट का सेक्शन उठाया और इस तरीके से हमने ऊपर ब्रश रखा और ड्रायर स्टार्ट किया। एक बार नीचे से, फिर ऊपर से, इस तरह से हम लोग हेयर्स को फ्रंट पर लेकर आएंगे। इस तरह से हम लोग ब्रशिंग करेंगे दोबारा से और एक शेप लेते हुए इस तरह से बालों को हम लोग छोड़ देंगे। तो जो हमारा कट है वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आ गया, जो लेयर्स बने हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक और सेक्शन ओपन करेंगे। तो उसको किस तरह से लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमें इस तरह से बीच में से एक सेक्शन लेना है इस सेक्शन को। मैं ऊपर की साइड सेपरेट कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, नीचे वाले सेक्शन को पहले ब्लो ड्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से हम लोग ब्रश रखेंगे और ड्रायर शुरू करेंगे। इस तरह से इन हेयर्स पे ब्लो ड्राई करने के बाद मैं आगे और पीछे का सेक्शन दोनों को इकट्ठा ले लूँगी और दोबारा से ब्लो ड्राई करेंगे।
और इस तरह से ब्रशिंग करके हम इनको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग ये वाला सेक्शन ओपन करेंगे। इस सेक्शन को भी कंप्लीट करने के बाद अब मैं सारे हेयर्स को एक साथ ड्रायर करूँगी। इस तरह से हम लोग फ्रंट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो लेयर्स हैं वो शो होने लग जाएंगे। तो हमारे ड्रायर का ये प्रोसेस रहता है, इस तरह से हमको फ्रंट पर आके ड्रायर करना है। अब इसी तरीके से हम लोग इस साइड के हेयर्स को भी ड्रायर करेंगे और फिर से हम लोग राइट साइड के बालों को ऐसे इस तरीके से ब्रशिंग करेंगे। इस तरीके से ब्रश करके इनको छोड़ देंगे। अब फिर से इस जगह से भी एक सेक्शन को हम लोग ऊपर की साइड छोड़ देंगे, इसको बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग नीचे वाले बालों को ड्राई करेंगे। अब जो लास्ट सेक्शन रह गया था इसको ओपन किया हमने और इस पर भी ड्रायर करेंगे। अब सारे बालों को पकड़ के एक साथ इस तरीके से ड्रायर करेंगे। इस तरह से ब्रशिंग करेंगे और हाथों को इस तरह रख के हम लोग हेयर्स को इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये दोनों साइड हमारी शेप बन गई। अब हम लोग ये सेंटर वाले हेयर्स को लेंगे और इस पर भी ब्लो ड्राई करेंगे। इस तरह से हम लोग फ्रंट के सेक्शन पे ड्रायर करके इसको हम लोग वन साइडेड इस साइड छोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग अपने कट को कंप्लीट करेंगे विद ब्लो ड्रायर। तो आप देख लीजिए इनका लुक इस तरीके से आएगा लेयर्स का।
तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया कि लेयर कट को ब्लो ड्राई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई किया लेयर वाले कट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको भी अपने क्लाइंट के ब्लो ड्राई करना है ताकि आप उनको अपने कट का लुक अच्छे से दिखा सकें। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।